तो दोस्तों इस वक्त बहुत बिजी शेड्यूल के अंदर हम चल रहे हैं, बैच स्टार्ट हो चुके हैं, उसके अलावा क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, दो दो क्रैश कोर्सेज के बैचेस जिसमें टाइम लगेगा करीब टू एंड हाफ आर ईच, उसके अलावा 11th और क्लास 12th के बैचेस सुबह से लेकर शाम तक एकदम से ऐसी वाट लगी पड़ी है जिसके बारे में अब कुछ किसी को सुनाएं भी तो क्या सुनाएं, ना सुनाएं भी तो क्या सुनाएं। फिर भी जैसे जैसे बीच में टाइम मिलता है कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आप बच्चों तक ज़रूर हमारी तरफ से पहुंचती रहे। अब नया सेशन शुरू हो चुका है और इस नए सेशन में बच्चे क्लास 11th में भी आए हैं और क्लास 12th में भी आए हैं। अब सबसे पहले तो क्लास 11th में जो आने वाले बच्चे हैं वो डिसाइड कर ही चुके होंगे कि उनके लिए साइंस अच्छी है, कॉमर्स अच्छी है या कौन सा स्ट्रीम उनके लिए अच्छा है। आई थिंक ये तो आप सभी बच्चे डिसाइड कर ही चुके होंगे और अभी तक क्लासेस भी ऑलमोस्ट सभी जगह शुरू हो चुकी होंगी। तो देखिए, जब आप क्लास 11th में आते हैं या क्लास 11th के बच्चे जब क्लास 12th के अंदर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कुछ इवन होती हैं, कुछ ऑड होती हैं, कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो यहाँ कुछ टिप्स की बात करते हैं कि किन किन बातों का ध्यान 11th और 12th क्लास के बच्चों को रखना है और पूरे साल भर अगर इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम उनको फेस करने को नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि आपको अपनी एक सेपरेट कॉपी मेंटेन करनी है, डेली का काम एक बार उसको फेयर करना है और एक अपने शेड्यूल को शुरू से ही मेंटेन करना है। शेड्यूल इस तरह से मेंटेन होना चाहिए कि आप एक बार चीज़ को फ्रेश पढ़ें और एक बार उसका रिवीजन करें। क्लास 11th में जब बच्चे आते हैं तो उनके साथ एक समस्या जनरली देखने को मिलती है कि वो उस वक्त उतना सीरियस नहीं होते, लेकिन जब क्लास 12th में आते हैं तो एक बार झटका तो लगता ही है क्लास 11th का। 70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स का क्लास 12th में आकर रिग्रेट बना रहता है कि हमने नहीं उतना कर पाए जितना हमसे हो सकता था। तो 11th क्लास में तो झटका लगता ही है और इसमें पेरेंट्स भी इस बात को समझ जाएं और स्टूडेंट्स भी समझ जाएं कि तो बेटर रहेगा। जो 12th में बच्चे आ चुके हैं उनको इस बात को जान लेना है कि ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं हुआ, ऐसा हर बच्चे के साथ, मैक्सिमम बच्चों के साथ इस तरह की बात हो पाती है। कोई बात नहीं 11th में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अगर 12th में भी परफॉर्म नहीं किया तो वो डेफिनेटली गलती होगी आपकी ही। तो उसके लिए आपको अभी से अपने आप को किसी तरह से मोटिवेटेड रखना ही होगा। क्लास 11th में जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें इस बात को जान लेना चाहिए कि उनके बड़े भाई बहन जो भी हैं उन्होंने उस नेगेटिव आस्पेक्ट को फेस किया है, महसूस किया है और उनके एक्सपीरियंस को देख के ही उनको खुद को संभाल लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि खुद चोट खा के ही सीखा जाए, आप दूसरों को गिरता हुआ देख के वहाँ से भी आप खुद को संभाल सकते हैं, अपना रास्ता डिसाइड कर सकते हैं और सेल्फ मोटिवेशन से ज़्यादा कुछ नहीं होता। आजकल हम क्या देखते हैं कि बच्चे जो हैं अपना पढ़ाई की बजाय बाकी सोशली ज़्यादा एक्टिव हैं। आप सोशली एक्टिव रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ाई की तरफ भी ध्यान हो। एक बात जान लीजिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक ही खामी है कि यहाँ बच्चा सिर्फ पढ़ता है लेकिन वो जॉब के लिए तैयार नहीं हो पाता, यानी कंपैटिबल नहीं हो पाता वो किसी रिस्पेक्टेबल जॉब के लिए। तो आपने अपने आप को इस तरह से अभी से मैनेज करना है कि आपकी जो स्टडीज़ हों वो आपको किसी तरह से एक अच्छे जॉब के लिए तैयार करे, अदरवाइज़ आपकी इस की गई इस पढ़ाई का कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। मैक्सिमम केस में हम इस बात को अभी इग्नोर कर देते हैं और बाद में मैक्सिमम बच्चे क्या करते दिखाई पड़ते हैं, कोई CGL की तैयारी कर रहा है, कोई IAS की तैयारी कर रहा है और 3-4 साल अच्छे से तैयारी करने की कोशिश करते हैं और फिर अल्टीमेटली मालूम पड़ता है कुछ नहीं हो पाता, फिर एक रिग्रेट बहुत ही ज़्यादा हमें महसूस होता है। तो ज़रूरी है क्लास 12th के बच्चे भी इस बात को ध्यान रखें कि आज से 1 साल बाद जब आप इसी वक्त पे खड़े होंगे, आपके पेपर ख़त्म हो गए होंगे, तो आपके दिमाग में ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि भाई अब अगले महीने क्या करेंगे, हम उसके अगले महीने कहाँ जाएंगे, कौन से कोर्स में एडमिशन लेंगे, क्या हम अपना BA में एडमिशन लेंगे, BCom में लेंगे, BSc में। इतना ध्यान रख लीजिए कि ये कोर्सेज आपको जॉब दिलवाने वाले नहीं हैं। तो आपको अपने आप को
उसी कोर्स के लिए अभी से तैयार करना है जो एक रेस्पेक्टेबल जॉब, कंफर्टेबल लाइफ आपको दिलवा सके। और इसी के लिए ज़रूरी होगा आपके शेड्यूल का बनना। अपने शेड्यूल को बनाइए, जो भी पढ़ते हैं वो आप भूलने नहीं चाहिए। भूलने नहीं चाहिए से मेरा मतलब है कि आपने जो भी पढ़ा उसका रिविज़न पैटर्न ज़रूर मेंटेन हो। अगर आपका रिविज़न पैटर्न मेंटेन होगा तो आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं, चीज़ों को भूलेंगे नहीं तो आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। और दूसरा, आपके पास समय बचेगा अपने स्किल्स को शार्प करने का। आप में से काफ़ी बच्चे हो सकते हैं इस वक्त साथ के साथ कुछ कमा भी रहे हों। मैंने पीछे YouTube पे देखा है कि जब एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान एक बच्चे का यही मैसेज आया कि सर, मैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं Instagram पे। सोशल इन्फ्लुएंसर एक नया कंसेप्ट है जो आजकल आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं जो करियर में आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना या 12th की पढ़ाई करना ये आपको करियर में कहीं भी लेके जाने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ अपने एक्स्ट्रा विंग्स ज़रूर फैलाइए, तभी लाइफ कम्फर्टेबल होगी, वरना लाइफ में हमेशा रिग्रेट बने रहेंगे। ये बात अभी से आपको जान लेनी चाहिए। जो बच्चे क्लास 12th में आते हैं उन्हें पता होगा कि करीब 70-80% बच्चों को 11th में झटका लगता है। उसका कारण यही होता है कि 11th में पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया और 12th में आते ही फिर ये लगता है कि भाई अब तो इसके बाद फ्यूचर है, इसके बाद हम कहाँ खड़े होंगे, आखिर कहाँ जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो क्लास 12th के बच्चों को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करती हैं। अगर जो बच्चा क्लास 11th में एंटर कर रहा है और वो उन कुछ बातों का ध्यान रखे जिसकी वजह से क्लास 12th के बच्चे परेशान हुए हैं, तो वो अपने आने वाले समय में इस एंजाइटी से अपने आप को दूर रख सकता है और वो अपनी इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले ही उसको मिल जाएगा। और इसीलिए ज़रूरी है 11th में कुछ बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात, अगर आप 60% मार्क्स ऑब्टेन करते हैं क्लास 10th में तो आप साइंस के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हैं, आप साइंस पढ़ सकते हैं। उससे ज़्यादा लेते हैं तो अलग बात है। बहुत सारी जगह ये कहते हैं कि नहीं, 80% होना चाहिए, 90%। हम ये कहते हैं कि अगर 60% अगर आपके आ भी गए ना तो आप साइंस पढ़ने के लिए तो कम से कम एलिजिबल हैं, आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। बाकी आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस चीज़ में नहीं है। उसके बाद एक बेटर स्कूल तलाशना, अगर स्कूल बेटर ना मिले तो कहीं पर आपस में कोई बेटर कोचिंग आपको ढूंढनी चाहिए। और इस तरह से ये कुछ तैयारियां हैं जो आपको क्लास 11th में आते ही करनी होंगी। उसके बाद क्लास 11th के अंदर आपको एक शेड्यूल अपना शुरू से ही मेंटेन करना होगा। पहले 3 चैप्टर ही आपके साइंस स्ट्रीम की डायरेक्शन को डिसाइड कर देते हैं और इन्हीं 3 चैप्टर के वक्त बच्चे काफ़ी अनसीरियस रहते हैं। अगर आप पहले 3 चैप्टर को सही ढंग से, सही लगन से पढ़ लेंगे तो पूरी की पूरी साइंस के अंदर आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। अगर आप जो रोज़ आपको स्कूल में या आपकी कोचिंग में पढ़ाया जाता है, अगर आप उसको घर आके एक बार ज़रूर रिवाइज करें तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर इंटरेस्ट बना रहेगा। अब ये करना कैसे है, क्योंकि बचपन तो बचपन ही होता है, कई बार सारे बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाते, तो आखिर करना कैसे है। आप ऐसा कीजिए, अपने बैच की कॉपी अलग बनाइए और फेयर कॉपी घर में एक अलग रखिएगा। ये क्लास 11th के बच्चे इस बात को मान जाएं तो बहुत अच्छा है, क्लास 12th के भी मान जाएं तो उनके लिए भी क्लास 12th को क्लियर करना इजी रहेगा। तो अपनी 2 कॉपी बनाइए, एक कॉपी अपने स्कूल की या कोचिंग की और एक ऐसी कॉपी जो आपने घर में रखी हो, फेयर कॉपी लिखा हो, और जो भी आज आपने स्कूल में पढ़ा है उसे उस कॉपी के अंदर आपको लिखना है। कोशिश कीजिए मेमोरी के बेसिस पे ही लिखिए, जिससे आपको वो चीज़ याद रहे, जहाँ भूलें वहाँ अपनी कॉपी देख के उसको तुरंत वहाँ पे नोट कर लीजिए। इस तरह से एक रिवीजन तो आपका ऑटोमेटिकली उसी दिन हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरी राय में आपको अपनी गोल्स को सेटल करके, प्रोग्रामिंग करके अपनी सराउंडिंग को तैयार कर लेना है, तभी गोल अचीव होगा। ये बात चाहे बिजनेस में है, चाहे आप स्टडीज़ में हैं, चाहे लाइफ के किसी भी क्षेत्र में हैं, ये बात वहाँ पर मायने रखती है। अगली चीज़ है टाइम बाउंडेड अप्रोच।
आपकी अप्रोच टाइम बाउंडेड होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है लेकिन कोई लिमिट नहीं रखी। अब लिमिट नहीं रखी तो बन जाएंगे भाई, बुढ़ापे तक बन जाएंगे, कभी भी बन जाएंगे, डॉक्टर ही तो बनना है। नहीं, लिमिटेड चांस हैं आपके पास, आपके पास लिमिटेड चांस है, लिमिटेड समय है। सरकार आपको डॉक्टर बनाने का इंतज़ार नहीं करेगी, वो तो लिमिटेड चांस ही देगी और उसी लिमिटेड चांस के अंदर आपको अचीव करके दिखाना होगा। तो आपकी अप्रोच टाइम बाउंडेड होनी चाहिए। तो कोई भी चीज़ अगर अपने शेड्यूल से नहीं होती तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करती है, वो संसार को हिला देती है, यूनिवर्स को हिला देती है। अगर ग्रह जो घूम रहे हैं अगर ये टाइम बाउंडेड क्षेत्र में नहीं घूमेंगे तो ये एक यूनिवर्स को हिला डालेंगे। तो ज़रूरी है टाइम बाउंडेड अप्रोच। आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, कितने समय में बनना है, 12th के बाद बनना है। मुझे इंजीनियर बनना है, कब बनना है, इस ईयर में बनना है और उसी के हिसाब से मेरी तैयारी शुरू होगी। आप 9th क्लास से तैयारी शुरू कर सकते हैं, 10th क्लास से कर सकते हैं, 11th क्लास से कर सकते हैं, लेकिन टाइम बाउंडेड अप्रोच का होना ज़रूरी है। तो गोल सेटल किया, अपनी सराउंडिंग को आपने तैयार किया और एक समय निर्धारित किया कि इस समय के अंदर ही अंदर मुझे अपनी प्रिपरेशन को पूरा कर लेना है और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है और फिर आप अपना टाइम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस के थ्रू हमें मालूम पड़ा कि टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन एक रियली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के सामने आती है। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो कि एक ही टाइम टेबल सभी स्टूडेंट्स फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में अलग है, हर एक का स्कूल शेड्यूल अलग है। एक टाइम टेबल अगर हम एक बच्चे को बताते हैं तो वही टाइम टेबल दूसरे स्टूडेंट के भी काम आए, ये पॉसिबल नहीं होगा। टाइम टेबल के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ और आप उन बातों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि जो भी आपने एक बार अपने स्कूल में, अपनी कोचिंग में, अपने ट्यूशन पे पढ़ लिया वो आप भूले नहीं। यानी अगर आज पहला दिन है, आप अपनी कोचिंग में पढ़ने गए हैं तो आप उस चीज़ को तुरंत कोचिंग से आके रिवाइज करेंगे, आप अपने ट्यूशन पे गए हैं तो वहाँ से तुरंत आके रिवाइज करेंगे और विद इन 8 आवर्स एक बार दोबारा से उसे पढ़ेंगे। रिपीटेड रिविज़न ज़रूरी है परमानेंट रिटेंशन के लिए। अगर आप रिपीटेड रिविज़न करेंगे तो नॉलेज परमानेंटली आपके दिमाग में रिटेंशन हो जाएगा और वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक आप बच्चों को याद रहेगी। तो ज़रूरी है रिविज़न पैटर्न को मेंटेन करने की। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको पता है आपकी क्लास में क्या चल रहा है तो आज जो होना है क्लास में एक बार उसे बुक में रीड करके ज़रूर जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप उसे पूरा समझ के जाएं, आप एक बार रीड करके जाएं, इससे आपको टॉपिक को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। देखिए मैं अपना खुद का एग्जांपल बताएं, कॉलेज के अंदर पढ़ाई होती है। अब आप सभी जानते हैं कि कॉलेज में किस वक्त तक किस तरह से पढ़ाई रहती है, अटेंडेंस कंपलसरी होती हैं, सिलेबस लास्ट तक चलते हैं, अटेंडेंस कंपलसरी होती है। तो अगस्त का महीने के एंड आते आते हम अपना सिलेबस खुद से पढ़ लिया करते थे, खुद ही सारा सिलेबस रिवाइज करते थे, लाइब्रेरी की मदद लेते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन अगस्त एंड तक लगातार खुद सिलेबस रिवाइज करते थे। फिर चाहे कोई भी एग्ज़ाम आए, किसी भी तरह का एग्ज़ाम आए, कोई भी टेंशन नहीं रहा करती थी। वही मैं कहूँगा कि जो भी आपके क्लास में होना है, ट्यूशन पे होना है, अगर उसे एक बार पहले से पढ़ के जाएंगे तो आपको उस टॉपिक को समझने में भी आसानी होगी, लर्न करने में भी आसानी होगी और आप भूलेंगे नहीं। जब आप कोई भी पढ़ाई करते हैं उसके शॉर्ट नोट अपने साथ के साथ बना के रखें। देखें, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते, एग्ज़ाम क्लियर होते हैं रिपीटेड रिविज़न और अपने शॉर्ट नोट्स को बना के रखने से। शॉर्ट नोट्स का मतलब एक या दो पेज के नोट्स जिसमें पूरे चैप्टर की समरी हो जाए, ताकि आप कहीं भी बैठे हों आपने पेज खोला और पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो गया। हर सब्जेक्ट के साथ यही करना है। दिन में 24 घंटे होते हैं, आप रात को 6 घंटे सोते हैं, माना हमने, फिर भी बचे 18 घंटे। 18 घंटों में से आप चले मान लिए नहाने धोने वगैरह एटसेट्रा, डेली वर्क के अंदर आप 2 आवर्स भी स्पेंड कर देते हैं तो मान लिया हमने बचे 16 आवर्स। 16 आवर्स के अंदर आप अगर सपोज अटेंडिंग है, आप 8 बजे स्कूल जाते हैं और 1 बजे के करीब तक स्कूल से आ जाते हैं,
आठ नौ दस ग्यारह बारह एक छः घंटे आप स्कूल में रहते हैं, 10 घंटे अभी आपके पास बचते हैं। इन 10 आवर्स के अंदर अगर आप तीन बैचेस पे भी जाते हैं तो हम मान लें कि 4 आवर्स आप बैच में स्पेंड करते हैं, फिर भी 6 आवर्स आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए ज़रूर बचते हैं। 6 आवर का मतलब तीन सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीन सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को डेली 2 आवर्स दिए जा सकते हैं। और उसके अंदर करंट चैप्टर का भी पढ़ना चाहिए और पिछले चैप्टर का रिवीजन भी होना चाहिए। जैसे सपोज आप 2 घंटे किसी एक सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए रोज निकालते हैं, उन 2 आवर्स में आप 1.5 आवर जो करंट चैप्टर चल रहा है उसके लिए इस पे निकालिए एंड 1/2 आवर कोई पिछला चैप्टर या टॉपिक रिवीजन के लिए ज़रूर निकाल के रखिए। इस तरह से जो भी एक बार आपने पढ़ लिया उसकी रिवीजन लगातार कंटिन्यू रहनी चाहिए, यानी आपने जो पढ़ लिया एक बार वो साल के एंड तक नहीं भूलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना गोल सेटल डेफिनेटली करेंगे, अपने सराउंडिंग को गोल के अकॉर्डिंगली आप बनाएंगे और उसके बाद आप एक टाइम सेट करेंगे कि मुझे इतने समय में पढ़ना है और फिर उसी के अकॉर्डिंगली आप शेड्यूल बनाएंगे।